तूने गुनाह नहीं प्रेम, पाप किया है तूने, अन्याय किया अपनी पत्नी के साथ। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ करके तू अन्याय कर रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है तू? गलत फहमी है तुम्हारी, चीजों को सुधारने की बजाय तुम सब कुछ बिगाड़ रहे हो प्रेम। तुझे क्या लगता है कि सब कुछ करके इस तरह घर छोड़ के तू न्याय करेगा, अन्याय करेगा हमारे साथ, इस परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ? तुझे क्या लगता है मुक्ति मिल जाएगी तुझे? समझ में क्यों नहीं आता इस समस्या का यह समाधान नहीं है प्रेम? घर छोड़ के जा, उसके साथ घर की खुशियां आशाएं भी जाती हैं। आपको, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते बेटा? मैम हमें आ चलिएगा, सिद्धार्थ ने कहा सिमर सिमर प्रेम ठीक कह रहा है। लास्ट डायलॉग बल्कि ये उन आदर्शों और स्कूलों के हालों की जिसके तुम मिसाल कायम एक्शन पवित्रता और अखंडता पर मुझे नाज हुआ करता था, आज इसी रिश्ते में मुझे दाग नजर आने लगा है। जो रिश्ता भरोसे और विश्वास का प्रतीक हुआ करता था, उसे खोखला हो गया है वो। अब मेरी बात छोड़िए, आप मुझे बताइए, अगर मेरी जगह जानवी होती तो तब भी क्या मुझसे यही कहते? वही कहते तब आप
दूंगा नहीं, मैं नहीं कर सकती बात। वो इधर गया। अब टर्न एक्शन। हाँ सिमर भाभी, और वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर आपको ने बोला माताजी माताजी माता बोल क्यों नहीं रही? अब आप ही समझा सकते हैं। मत जाओ बिल्कुल, ओके बस ओके। बोल क्यों नहीं रही? अब आप ही सिमर को समझा सकते हैं, आपकी बात वो कभी नहीं टाल सकती। माताजी ने देखा सिमर को इनके मूव के आने के लिए, यहाँ के लिए मूव की, यहाँ तक देखे आ रही है, ये आ रही है, और ये चलिए मंदिर पे और गिरी यहाँ पे। माता जी ओके, अब आपको नजरें झुकाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अभी मैं मानता हूं कि हर इंसान की बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है, और शायद मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि वो सिमर की बर्दाश्त के हद से बाहर था, और इसीलिए शायद सिमर मुझे माफ नहीं कर पाता। और सजा तो यह होनी चाहिए कि मैं समर से दूर रहा। मैं आपको और तकलीफ नहीं दे सकता सर, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर मैं यहां रहूंगा तो
अपने आप की तकलीफें कम नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। गुनाह नहीं, पाप किया है तूने, अन्याय किया अपनी पत्नी पर। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ करके घर छोड़ के तू न्याय कर रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है तू? गलत कहनी है तुम्हारी कोई, बातों को सुधार नहीं और बिगाड़ रहे हो। तुम्हें अगर घर छोड़कर जाओगे तो तुम खुद को सजा दोगे, खुद को नहीं प्रेम, तुम हमें सजा दोगे, अपनी पत्नी को सजा दोगे। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? घर छोड़ कर जाएगा। आप पहले ही बहुत बड़ा गुनाह कर चुके हैं और अब इसे सुधारने की कोशिश है, इससे भी बड़ा कर ले जाए। अगर घर छोड़ कर कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। घर नहीं जाएगी तो कभी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी बेटा, मेरा बेटा गुनहगार है। इसकी माँ होने के नाते मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, तुम घर छोड़ अच्छा।